आप AMD Radeon का अगर आप ग्राफिक्स कार्ड अगर आप यूज करते हो तो आप उसके ड्राइवर को माने आप उस ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हो जो अपडेटेड ड्राइवर है। और ट्रस्ट मी आपको सबसे इजी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको किसी तरह का कोई प्रोसेस ये रिलेटेड आपको वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ और ओपन करने के बाद अब आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे amd.com/en/support तो आपको इस वेबसाइट में चले जाना है। और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। और विजिट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो AMD का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इस वेबसाइट में आने के बाद और आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑटो डिटेक्ट का। तो वो जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान के चलिए आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में AMD Radeon का जो भी ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जिस भी मॉडल का, जिस भी सीरीज का आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट हो जाएगा। और डिटेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है, जो ग्राफिक्स कार्ड का जो अपडेटेड ग्राफिक्स कार्ड का जो आपका ड्राइवर है, वो ड्राइवर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इस PC में मेरा AMD का यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे मेरा ऑटो डिटेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। आप चाहे तो ऑटो डिटेक्ट करके भी आप अपने ड्राइवर को आप डाउनलोड कर सकते हो, AMD Radeon का जो ग्राफिक्स कार्ड का आपका जो ड्राइवर है उसे डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप इसे मैनुअली तरीके से भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्राफिक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपका जिस भी सीरीज का आपका ग्राफिक्स कार्ड है, तो आपको फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए ये मेरा सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है RX 7000 सीरीज, तो मैं इस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद और आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा AMD Radeon RX 7900 सीरीज, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपका मॉडल है आपको उस मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। तो उस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नीचे की ओर आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने आपका जिस भी मॉडल का आपका ग्राफिक्स कार्ड है आपको वहाँ पे मैन्युअली तरीके से आपको उसे सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो ऑटो डिटेक्ट करके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैनुअल तरीके से डाउनलोड करना है तो आप इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज 11 64 बिट एडिशन यहाँ पे शो हो रहा है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आपको यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 10 64 बिट एडिशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं अभी फिलहाल इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है यहाँ पे उसका मॉडल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो उसका सीरीज यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करना है कि आपको उस ग्राफिक्स कार्ड का आपको ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप उस ग्राफिक्स कार्ड जो ड्राइवर है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे उसका साइज भी यहाँ पे शो हो रहा है और इसका यहाँ पे अपडेटेड डेट भी यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसे डाउनलोड करता हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये ड्राइवर जो है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 590 MB का ये मेरा ड्राइवर है और यहाँ पे मेरा 8 मिनट यहाँ पे टाइम लगने वाला है, 8 to 7 मिनट यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है और इस ग्राफिक्स कार्ड का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड हो जाने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए कि आपका ये डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओपन करोगे तो ये आपका जो ड्राइवर है ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहां पे इस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, इंटरफेस शो होगा। यहां पे आपका जो PC का जो हार्डवेयर है यहां पे चेकिंग होगा, जैसे आप यहां पे देख सकते हो चेकिंग योर PC हार्डवेयर फॉर ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी, जैसे आप यहां पे नीचे की ओर देख सकते हो। ये होने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा और आपको करना क्या है कि आपको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे रिकमेंड में आपको यहां पे आएगा आपका ग्राफिक्स कार्ड जो भी है, जिस भी मॉडल है, तो आपको यहां पे रिकमेंड में यहां पे शो होगा और आपको इसे इंस्टॉल करना है। और यहां पे भी आपको इस तरह का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहां पे भी इसे इंस्टॉल करना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, AMD प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट या यहां पे AMD PCI ड्राइवर या GPU, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी पे चेक मार्क कर लेना है। इन सभी को चेक मार्क कर लेने के बाद आपको सिंपली इस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट
हो जाएगा। जो अपडेटेड ड्राइवर होगा, जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है, उस ग्राफिक्स कार्ड का जो अपडेटेड ड्राइवर होगा वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपका जब भी गेम खेलोगे तो आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे किसी तरह का लैग, किसी तरह का बफरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसे कर लेने के बाद और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे नहीं हुआ है तो आप मुझे तब भी आप कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टॉलिंग करने के दौरान। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।